So today I want to speak on title of the topic is So Great a Salvation. और आज का हमारा जो विषय है जिस पर आज हम बात करेंगे वह है कि हमारा उद्धार जो कितना महान है। दिस इज अ टर्म यूज्ड इन द स्क्रिप्चर्स. और यह जो शब्द है जिसका इस्तेमाल हम वचन में देखते हैं इट्स फाउंड इन हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 3. और इसके विषय में हम देखते हैं इब्रानियों के अध्याय 2 में और उसके तीसरे वचन। हाउ शैल वी एस्केप इफ वी निग्लेक्ट सो ग्रेट अ सेल्वेशन आफ्टर इट वॉज द फर्स्ट स्पोकन थ्रू द लॉर्ड इट वॉज कन्फर्म टू अस बाय दोज हू हर्ड. इब्रानियों अध्याय 2 और वचन 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। सो हियर दिस वर्स सेज हाउ शैल वी एस्केप इफ वी निग्लेक्ट सो ग्रेट अ सेल्वेशन. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन कहता है कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्वेशन? तो उद्धार का मतलब क्या होता है? एनीबडी वांट्स टू आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? से? या डोंट वरी अबाउट whether it's right or wrong, all those things, but what comes to your mind? आप ऐसा ना सोचे कि सही है या गलत है, आप जो कुछ आपके मन Freedom, में freedom. विचार आए। Okay, freedom. Anybody else? Huh? Being set free. Yes. आजाद किया जाना। So these are all the meaning of salvation, and it says so great a salvation. और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर वचन कहता है कि यह बड़ा उद्धार या महान उद्धार। Have you thought about it that the Bible says that this is so great a salvation? और क्या आपने इस पर विचार किया है जैसे बाइबल कहते हैं कि यह जो महान उद्धार है या जो बड़ा उद्धार है। So, can anybody say what is it so great about it? और आप में से कोई बता सकता है कि इस उद्धार के विषय में ऐसी महानता की क्या बात है? What is the salvation that God has given us? और यह वह कौन सा उद्धार है जो परमेश्वर ने हमारे लिए लाया है? Anybody? क्या कोई आप में से बताएं कोई? Transformation. Complete transformation. Okay. Anybody else? What is the salvation? Free from sin. Free from sin. Freedom from sin. Okay. So freedom from sin. Total transformation. Anybody else? Huh? Being a sinner, Jesus died for us. That is the salvation. Anything else? Jesus showed a way to the Father. Yes. Coming out of the darkness into light. Anything else? It's a free salvation. It's all given by God. So have you do you feel that this salvation is great? और क्या आप ना ऐसा just speak it to you for your heart only. Do you feel that the salvation is so great as the word of God says, so great a salvation? और क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है आप सोचते हैं कि यह जो उद्धार है यह बहुत ही बड़ा है या महान है? आप अपने आप से इसका अपने आप को इसका उत्तर दें क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यह उद्धार बड़ा है महान है। Sometimes we may feel that, yeah, I've been saved from sin and got a new life. Okay, then what? After that what? और कई बार हम ऐसा कहेंगे कि हाँ हमारा उद्धार हुआ है, हमें पाप से छुटकारा मिला है, हमने नए जीवन को पाया है, लेकिन अब इसके आगे क्या? But this word of God says so great a salvation. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यह उद्धार महान है, बड़ा है। So I believe that as we grow closer to the Lord, और मैं यह विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे हम प्रभु के निकट आते हैं, as we know the Heavenly Father, as we know Jesus more and more, और जैसे हम अपने स्वर्गीय पिता को और ज्यादा करके जानते हैं, यीशु मसीह को और ज्यादा जानेंगे, we'll realize that this salvation is much more than what we have thought. और तब हम जानेंगे, हमें आभास होगा इसका कि हमने उद्धार के विषय में हमारी जो हमारा मानना था यह उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़कर है। That's why it is called, that's why the Bible called so great a salvation. इसी यही कारण है कि बाइबल इसके विषय में कहती है यह बड़ा उद्धार है, महान उद्धार है। And it's possible for us to neglect it. और यह भी संभव है हमारे लिए कि हम इसको अनदेखा कर दें। Because
Sometimes we are not aware how great the salvation is. क्योंकि कई बार हमें इसका आभास नहीं होता कि यह कितना बड़ा है, महान है. So, I have come to see these days. I have come to see that, I have got a glimpse that this salvation is great. और इन दिनों में मैंने अपने जीवन में पाया है यह उद्धार, और इसकी एक झलक मैंने पाई है कि यह उद्धार कितना बड़ा है, महान है. I can truly say that I can truly say that I have got a just a glimpse of that. It is a great salvation. और मैं आप सभी से सच सच कहना चाहता हूँ कि मैंने उस महान बड़े उद्धार की एक छोटी सी झलक पाई है. So let's see today about this so great a salvation, what salvation God has given us. आइए आज के इस दिन में हम इस बड़े उद्धार के विषय में, जिसके विषय में वचन कहता है, हम इसे देखेंगे, जानेंगे. To encourage all of you about this great salvation. और आप सभी को इस बड़े उद्धार के विषय में प्रोत्साहन देने के लिए. That we may go all out for, we may give our whole life for this. कि हम अपने पूरे जीवन को दे देंगे. And reach to the full potential. कि हम अपने जीवन की इस पूरी क्षमता तक पहुंच जाएं. Not lag behind. कि पीछे ना रह जाएं. So many of the things, some of the things what I'm going to share is known to all of us. और मैं आपसे जो कुछ आज बातें बांटूंगा उसमें से कई सारी बातें आपको पहले से ही आप जानते हैं. Okay. So but as we come further, we'll see that God has made a great salvation for us. लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि परमेश्वर ने यह उद्धार जो हमारे लिए किया है, यह बड़ा काम किया है. So first of all, we were all under the bondage of sin and the devil. और सबसे पहली बात कि हम सभी पाप के बंधन में और शैतान के बंधन में थे. Our life was like this. We lived in hatred to others, enmity toward the others. That is a common thing for a human being. और हमने हमारा जो पहले जीवन बिताया वह इस प्रकार से बिताया कि हमारे मन में औरों के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति कड़वाहट और घृणा की भावना भरी हुई थी. So that sort of life, God has delivered us out from that. Enmity, hatred, and all, you know, lying, cheating, all those things which consists of our unbelieving life. और ऐसे जीवन से जिसमें हम जी रहे थे और लोगों से हम बहुत ही घृणा करते थे, बैर की भावना को रखते थे, उनको ठगते थे, उनको धोखा देते थे, इस प्रकार के जीवन से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है. God has saved us from the penalty of all those things. और परमेश्वर ने हमें उन सारी बातों का जो हमें दंड भोगना था, सजा मिलनी थी, उस सजा से भी छुड़ाया है. So we got a salvation from the penalty of sins. तो हमने हमारे पापों की जो दंड था, उस दंड से हमने उद्धार पाया है. That's a great, great thing to receive the freedom from the penalty of sins. और एक बहुत ही बड़ी और अद्भुत महान बात है कि हमने जो किए हैं पाप, ऐसे पापों की हमें जो दंड भोगना था, उस दंड की हमें क्षमा मिली है, उद्धार मिला है. Because Christ was our Passover. क्योंकि मसीह जो है वह हमारा फसह का मेमना. He died for us and his blood has set us free. और उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया और जान दी और उसने हमें आजाद किया. The wrath and punishment for our sins was laid on Jesus. और हमारे पापों का जो दंड था, पापों का जो बोझ था, वह यीशु मसीह के ऊपर डाला गया. Bible says he is the propitiation for our sins. और बाइबल कहते हैं कि हमारे पापों के लिए जो बलिदान था, वह यीशु मसीह ठहरा. So now we are saved from the wrath of God. तो अब हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए हैं. God's wrath is not upon us. We are saved, the Bible says in Romans 5:9. और रोमियो अध्याय 5 के वचन 9 में बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि अब हम परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाए गए हैं, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं है. The wrath of God is on the sons of disobedience now. और परमेश्वर का जो क्रोध है वह आज्ञा के उल्लंघन जो करते हैं, आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है. And on the last, in the end of this age, this wrath will be revealed. और परमेश्वर का जो क्रोध है वह इस पीढ़ी के अंत में प्रकट होगा. But we are saved from this wrath. लेकिन हम सभी परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए हैं. The Bible says in Thessalonians, we are not destined for that wrath. और थिस्सलुनीकियों में वचन इस प्रकार से कहता है कि हम क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए हैं. God has made us his beloved children. परमेश्वर हमें उनका प्यारा पुत्र बनाया है. John 1:12 says, as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, even to those who believe on his name. और योहन्ना अध्याय 1 के वचन 12 में कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उसको पुत्र होने का, पुत्री होने का अधिकार दिया. So now God has given us grace to be his beloved children. तो परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि हम उसकी संतान कहलाएं. And this is, as somebody said, it's free, as one of the sisters said, the salvation is not by our efforts and our works.
और हमारे बीच में से एक बहन ने कहा कि यह जो उद्धार है वह पूरी तरह से मुफ्त है, सेंट मेंट है, कि यह उद्धार हमारे कामों के द्वारा नहीं होगा। Ephesians 2:8 says, for by grace you are saved through faith, not of ourselves, but it is a gift of God, so that we will not boast. इफिसियों अध्याय 2 के वचन 8 में ऐसे कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Isn't this a wonderful gift that God has given us? और क्या यह अद्भुत वह दान नहीं जो परमेश्वर ने हमें दिया है? That we can be the children of God. कि हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। And that we are citizens of heaven now. और अब हम स्वर्ग के नागरिक हैं। So that is the first thing that God has done for us. और यह वह पहली बात है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। Now, after becoming children of God, now we can talk to God. और अब जबकि हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो अब हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। But God in His wonderful plan has made it such a wonderful thing for us to talk to Him. अब परमेश्वर ने इस विषय के लिए एक अद्भुत इस प्रकार से योजना बनाई है कि हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। See, God is holy. There is no darkness in Him. देखिए, परमेश्वर उज्जवला है, वह ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। And to talk to Him, we also have to be without darkness. और यदि हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी अंधकार ना रहे। So, even though we have been forgiven of all our sins, और इसके लिए कि हमें हमारे पापों की क्षमा मिल चुकी है, we will still not have confidence before a holy God. फिर भी हमें ऐसा दृढ़ हियाव नहीं होगा कि हम परमेश्वर के सम्मुख जा सके। This is a very important aspect. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। Even though we are forgiven, we will naturally not have a confidence before a holy God. अब भले ही हमें पापों की क्षमा क्यों नहीं मिल गई है, हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख फिर भी नहीं जा सकते। God in His wonderful plan, what He did, He gave us a gift of righteousness. अब परमेश्वर ने उसके अद्भुत महान युक्ति योजना में परमेश्वर ने उसके एक अद्भुत दान को, धार्मिकता के दान को हमें दिया है। Bible says in Romans 3:24. और रोमियो के अध्याय 3 के वचन 24 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। Yeah. So Romans 3:24 says, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. और वचन यहाँ पर कहता है कि उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। And He gave us by our faith a gift of righteousness. और हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उस धार्मिकता, धर्मी ठहराए जाने के दान को हमें दिया है। It's called justification by faith. और यह है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। So we are righteous not because of what we do. और हम धर्मी इसलिए नहीं ठहराए जाते हैं कि जो कार्य हम करते हैं, but we are righteous because of our faith in Christ. और हम इसलिए धर्मी ठहराए जाते हैं हमारे उस विश्वास के कारण जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर रखा है। And the example is Abraham. He believed God and he was declared righteous. हमारे लिए उदाहरण अब्राहम है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लिए यह धार्मिकता गिना। This is a wonderful principle. Unless we receive it by faith, we will always think of trying to be good to be righteous. और यह एक अद्भुत सिद्धांत है जिसे समझने की हमें आवश्यकता है, नहीं तो हम अपने ही कार्यों के द्वारा बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते ही रहेंगे। And as this is a gift of righteousness, we will not boast. और क्योंकि यह धार्मिकता का जो है वह हमें सेंट में मिला है, वह एक दान के रूप में मिला है, तो हम इसके विषय में घमंड भी नहीं कर पाएंगे। एनी टाइम वी ट्राई टू से दैट वी आर मोर स्पिरिचुअल और मोर बेटर देन अस, वी हैव गॉट इट रॉन्ग। और किसी भी क्षण हम जब ऐसा विचार करते हैं कि मैं औरों की तुलना में ज्यादा आत्मिक हूँ या औरों की तुलना में मैं कुछ ज्यादा बेहतर हूँ, वहां पर हम शून्य हो जाते हैं। एनी टाइम वी थिंक ऑफ दैट आई एम सुपीरियर देन द अदर्स और आई एम इनफीरियर, then that is not the gift of righteousness, but is our own righteousness. और किसी भी क्षण जब हम ऐसा विचार रखते हैं कि मैं औरों की तुलना में अपने आप को हम अच्छा समझते हैं, बेहतर, या औरों की तुलना में अपने आप को नीचा, तो यह धार्मिकता का दान नहीं है, परंतु हमारे कामों का फल है। The apostle Paul said, I don't want my righteousness, but I want the righteousness of God. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी धार्मिकता नहीं चाहता, परंतु मैं परमेश्वर की धार्मिकता चाहता हूँ। So God has given us a gift of righteousness. तो परमेश्वर ने हमें उसके धार्मिकता का दान दिया है। In His wonderful plan. उसके अद्भुत योजना में।
Second Corinthians 5:21 is a wonderful verse. और दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21वां वचन बहुत ही अद्भुत वचन है. This is the way God did it. और यह इस प्रकार से इस तरीके से परमेश्वर ने किया है. It says, He who knew no sin was made sin that we might become the righteousness of God. दूसरा कुरिन्थियों 5:21 जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. Jesus who came as a human being and lived our life and kept the law, and he who knew no sin became sin so that his righteousness can become ours. और यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे समान जीवन बिताया, व्यवस्था का पालन करके व्यवस्था के अधीन हुए, उन्होंने बिल्कुल पाप नहीं किया, पाप से वो अनजान थे, लेकिन उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया ताकि उनकी धार्मिकता हमारे पास आ जाए. What a wonderful savior. His righteousness he gave us as a gift. और कैसा अद्भुत उद्धार करता है हमारा कि उसने उसकी स्वयं की धार्मिकता हमें दे दी. So now, when we, as a child of God, go to the Father, we are going on the basis of the gift of righteousness which God has given. और अब हम परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर के सम्मुख जब हम हियाव के साथ जाते हैं तो उसके उस धार्मिकता के दान के द्वारा हम जाते हैं. And God wants his children to always come confidently before him. और परमेश्वर चाहता है कि उनकी संतान उनके सम्मुख पूरे बड़े हियाव के साथ में उसके पास जाएं. Because he has given us this gift of righteousness. क्योंकि उसने उसकी धार्मिकता के दान को हमें दिया है. And he wants to relate to us in us to relate with him confidently. कि वह हमारी अगुवाई कर सके, हम आगे बढ़ सके, उसके सम्मुख जा सके पूरे हियाव के साथ. First, I want to ask you whether you have that confidence before God. और मैं भाई और बहनों आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास परमेश्वर के सम्मुख जाने का वह बड़ा हियाव है? Or are we in fear and like a servant and like a slave? या हम अब भी भय में जीते हैं, एक दास के समान, एक सेवक के समान? That is not God's will. और यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है. God wants, he has given us that gift of righteousness when we have faith in Christ. और उसने उसके धार्मिकता के दान को हमें दिया है यदि हमने मसीह पर विश्वास किया है. And with that relationship, our life is guided into all the practical righteousness. और इस सिद्धांत के द्वारा, इस रिश्ते के संबंध के द्वारा हम हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, अगुवाई करते हैं. But we must keep that gift of righteousness first and then the practical righteousness. लेकिन हमें सबसे पहले हमारे जो विश्वास के द्वारा जो हम धार्मिकता पाते हैं उसे सबसे पहले रखना है, फिर हमारे कामों के द्वारा जो धार्मिकता है उसे बाद में. Otherwise we'll be like all over the world, it'll be a religious activity. नहीं तो हम इस संसार के अन्य लोगों के समान हमारे लिए केवल रीति रिवाज और धर्म के काम ही बन जाएंगे. The next thing, so this is the second thing, that he has given us the gift of righteousness. और यह दूसरी मुख्य बात है कि उसने उसके धार्मिकता के दान को हमें दिया है. The next thing that God has given, this is all God's work. और अगली जो बात है, यह सारा जो कार्य है यह परमेश्वर का कार्य है. Such a great plan. और यह बहुत ही अद्भुत युक्ति योजना है. Now what God did is he for us, what he has done is the Bible says, our old man was crucified with Christ. और अब परमेश्वर ने क्या किया है? उसने हमारे पुराने मनुष्यत्व को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है. Romans 6:6. रोमियो अध्याय 6:6. Hope you all know these verses. और मुझे आशा है कि आप सभी इस वचन को जानते होंगे. Knowing this, that our old self was crucified with him, that our body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. रोमियो अध्याय 6:6, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे. So the old Matthew was crucified and was dead with Christ. तो जैसे कि पुराना जो मैथ्यू था वह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और वो मर गया. And when Jesus rose again, we rose as a new man. और जब यीशु मसीह जी उठा तब एक नया मनुष्य जी उठा. So that is found in Colossians chapter 2 verse 12. और इसके विषय में हम पढ़ पाते हैं कुलुशिया अध्याय 2:12. और कुलुशिया 2:12, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे. So we were raised up with Christ. और हम मसीह के साथ जिलाए गए. So the secret of being born again and a new creature is just because of this fact. और सबसे बड़ी रहस्य की बात, एक नया जन्म पाना, नया मनुष्य बना, उसके पीछे का रहस्य यही है. Because the old man is crucified and it's a new man.
क्योंकि हमारा पुराना जो मनुष्य था वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, और अब एक नया मनुष्य जी उठा है। Bible says in 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:17 कहता है कि हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में वह नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। Are you a new creature in Christ? क्या आप नई सृष्टि है परमेश्वर में? Or there is no change in your life? या कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं है? If we are born again, we will become a new creature in Christ. और यदि हमने नया जन्म पाया है तो हम मसीह में नई सृष्टि हैं। We should not rest in our life till we know that we are a new creature. और हम तब तक विश्राम ना करने पाए, आराम ना करने पाए, जब तक हम नया सृष्टि न बन जाएं। On the last day when we reach the thing, our name should be written in the book of life. और जब हम अंतिम दिन उस मेज पर पहुंचेंगे, परमेश्वर के सम्मुख हमारा नाम वहां पर लिखा होना चाहिए। It is not a man who can convince us, it is only God. और यह कोई मनुष्य नहीं है जो हमें उसके विषय में समझा सके और हमें सहमत कर सके, परंतु यह परमेश्वर है। So, this is another great thing that God has done for us. और यह एक अद्भुत कार्य है, महान अद्भुत योजना है जिसे परमेश्वर ने किया है। Isn't that a wonderful salvation? और क्या यह अद्भुत महान उद्धार नहीं है? See, God doing so many things. देखिए परमेश्वर कई सारे अद्भुत कार्य कर रहे हैं for us. हमारे लिए। the wonderful relationship that he had with Adam was lost because of sin. और एक अद्भुत रिश्ता संबंध जो परमेश्वर का आदम के साथ था, जो जो पाप के कारण टूट गया था। And Jesus came to restore that. और यीशु मसीह उस रिश्ते को फिर से लौटाकर फिर से नया बनाने के लिए आए। But this is all that is required. लेकिन यह सारी जो बातें हैं वह उस रिश्ते को बनाने में जरूरत है। The effect of sin had to be taken out, so God made all these plans. और जो पाप का जो प्रभाव था वह पूरी तरह से, पाप का असर जब पूरी तरह से दूर करना था, इसलिए प्रभु ने यह सारी योजनाओं को बनाया है। The next one which God did, great thing that God did was that he just didn't leave us alone as the child of God. और एक अद्भुत अगली अद्भुत मुख्य बात जो परमेश्वर ने महान हमारे लिए किया है, उसने हमें केवल उसका पुत्र और संतान बनाकर ऐसे ही छोड़ नहीं दिया है। He has given us a helper. उसने हमारे लिए एक सहायक दिया है। He has given us somebody to live within us. और उसने एक ऐसे व्यक्ति को हमारे साथ दिया है जो हमारे भीतर रह सकता है। Who is that? वह कौन है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। So that is also a gift of the Holy Spirit. और यह जो पवित्र आत्मा है, यह भी एक दान है। Is it a great salvation? क्या यह उद्धार महान नहीं है? We receive the gift of the Holy Spirit not by our works. और हमारे कामों के द्वारा हम पवित्र आत्मा के दान को नहीं पाते हैं। And faith. हमारे विश्वास, हमारे उस लालसा के साथ, प्यास, एक प्यास के साथ में परमेश्वर से मांगना। God wants to give each one of us the Holy Spirit. अब परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति को उसके पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। Bible says that in Ephesians 5:18 that we must be filled with the Spirit daily. और इफिसियों के अध्याय 5:18 इस प्रकार से कहता है कि हम हर समय, हर रोज, हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें। Yesterday we heard a wonderful testimony from Sister Annie. How many of you have heard it? और हमने कल एक अद्भुत गवाही बहन एनी के द्वारा सुनी थी। आप में से कितने ने उसकी गवाही सुनी थी? A sister who was in the brethren where they don't believe in the baptism of the Holy Spirit. और ऐसी जो बहन जो एक ब्रदरन समूह में थी, संगठन में, उसमें सिद्धांतवादी में थी, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर विश्वास नहीं करते हैं। But was thirsty. लेकिन जो प्यासी थी। And needy. और उसकी जरूरत थी। And God powerfully filled her. और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, सामर्थ्य रूप से उसे पवित्र आत्मा से भर दिया। So that is the next part, the fourth part of this great salvation. और यह चौथा भाग है उस बड़े महान उद्धार का। Now after doing all that, making us a child of God, making us righteous, giving us the gift of the Holy Spirit, now we who were living in sin, when anybody treated us badly, we would treat them back badly, we would fight, we would do all that. Are we going to continue in that sort of way, or are we going to be an overcomer in our life? और अब जबकि परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए कई सारे अद्भुत कार्य, महान कार्य किया, जैसे उसने हमें उसकी संतान बनाया है, उसके धार्मिकता के दान को हमें दिया है, उसकी सहायता की, हमारी सहायता के लिए उसने उसका पवित्र आत्मा हमें दिया है, तो हम जैसे जो पहले जीवन बिताते थे, औरों के साथ में हम बैर की भावना को रखते थे, झगड़ा करते थे, ऐसे बुरे स्वभाव में थे, तो क्या अब हम इसी प्रकार के जीवन को जारी रखेंगे जीना? Without knowing, we will tell that this person is like this, with the person like this, or we will tell something
normally we will always tend to tell something bad about people rather good about people. और हमारा ऐसा स्वभाव था कि हम बिना किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बातों को जाने जांच पड़ताल की हम उसके विषय में न्याय करते उस पर दोष लगा कर कहते कि हाँ यह व्यक्ति तो ऐसा ही है. Whenever we look at people, first we look where the faults come up. और हम उनके विषय में हमेशा बुरी ही बातें करते हैं और जैसे हम किसी व्यक्ति को किसी भी लोगों को हम जब देखते हैं उनकी जो गलतियां होती है वह हमारे सामने बाहर आती है. God wants to make us overcomers. लेकिन परमेश्वर हमें जयवंत बनाना चाहते हैं. Overcome all these things which make us fall. और ऐसी सारी ये सारी बातें जो हमें गिरा हमारे गिरने का कारण बनती है इन सारी बातों पे प्रभु हमें जयवंत करना चाहते हैं. So he has given us now not the law to keep us becoming an overcomer. अब प्रभु अब हमें कोई व्यवस्था या कानून नियम नहीं देना चाहते हैं कि जिसके द्वारा हम गिरने ना पाएं. But he is giving us a lot of grace. लेकिन प्रभु हमें उसका अनुग्रह दे रहे हैं. Bible says sin shall not have dominion over us because we are not under law but under grace. अब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें उसका अनुग्रह दिया है. अब पाप के प्रभुता हम पर नहीं होगी क्योंकि हम व्यवस्था के नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं. Bible says so any sin which is causing us to repeatedly fall, we need grace from God. अब भाई और बहनों ऐसा कोई भी पाप हमारे जीवन में है जिसमें हम बार बार गिर रहे हैं तो हमें आवश्यकता है परमेश्वर के अनुग्रह की. And God's grace is abundantly available. अब परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमारे लिए बहुतायत से उपलब्ध है. It says, "Where sin abounded, grace abounded all the more." अब वचन कहता है कि जहां पाप बढ़ गया वहां पर अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ. So there is no lack of grace. तो वहां पर हम देखते हैं अनुग्रह की कोई कमी नहीं है. But we must be humble. लेकिन हमें नम्र होने की आवश्यकता है. Lord, I want to overcome. I want to be an overcomer. अब प्रभु से हम कहना पाए कि प्रभु मैं इस पर जय पाना चाहता हूँ मुझे इस पर विजय चाहिए. And so God wants us to be overcomers in our life. अब प्रभु चाहते हैं कि हम सभी अपने जीवनों में जयवंत बनने पाए. Not living a life of falling down, getting up. अब प्रभु नहीं चाहते कि हम इस प्रकार के जीवन को जो कि हम बार बार गिरते हैं फिर उठकर खड़े होते हैं फिर गिरते हैं उठकर खड़े होते हैं. It's a wonderful salvation. He wants to make us overcomers. अब प्रभु ने हमारे लिए एक उद्धार अद्भुत उद्धार रखा है और वह हमें एक जयवंत बनाना चाहते हैं. And if we fail, और यदि हम असफल होते हैं, it says 1 John 2:1, these things I have written unto you that you may not sin, but if anybody sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. और हम देखते हैं कि यदि हम असफल भी हो जाते हैं तो पहला योना अध्याय 2:1 इस प्रकार से कहता है कि यदि कोई गिर भी जाता है पाप कर देता है तो हमारे लिए प्रभु के सामने यीशु मसीह हैं. To come back to God, we only need to confess our sin and say, Lord, I don't want to do it again. Please forgive me. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. और यदि हम परमेश्वर के सामने हमें फिर से आने के लिए केवल उसके संगति में आने के लिए केवल हमें हमारे पापों को मानकर पश्चाताप करके मन फिराने की आवश्यकता है. जैसे हम पढ़ते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो हमें धोकर शुद्ध कर सकता है. So Christ is our advocate. तो मसीह जो है वह हमारा सहायक है वकील है. And He is also our high priest. और वह जो है वह हमारे लिए महायाजक भी है. In the old covenant, the High priest used to be there for any sin problem. और वहां पर पुराने नियम में हम पुराने वाचा में देखते हैं कि वहां पर जो महायाजक था वह कोई भी पाप से संबंधित कोई बात होती थी वह उसमें काम करता था. Today we have Jesus as a high priest and his quality is that he can sympathize with our weaknesses. और आज हमारे लिए हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए एक महायाजक है और वह हमारे साथ सहभागी होते हैं वह हमारे साथ हमदर्दी जताते हैं. Even repeatedly if we go back to him, He will never say why you're coming again. और यदि आप बार-बार गिरने के बाद उठकर लौटकर उसके पास जाएंगे वह नहीं कहेगा कि तुम बार-बार लौट के मेरे पास क्यों आते हो. Because his name is he will save his people from sins. क्योंकि उसका नाम ही का अर्थ ही यही है कि वह अपने लोगों का पापों से उनके पापों से उद्धार करेगा. So his desire is only to save us. तो उनकी इच्छा यही है केवल एकमात्र इच्छा कि वह हमें बचाना चाहते हैं. So he is our high priest who can sympathize with our weaknesses. अब वह ऐसा हमारे लिए महायाजक है जो हमारे साथ सहभागी हो सके. So that is the next one is having living an overcoming life is not the end. और केवल एक जयवंत का जीवन जीना यही हमारे लिए अंत नहीं है. He wants us to become like him. वह चाहता है कि हम उसके समान उसकी समानता में बन जाएं. We will be overcomers in our we will not be cheating, we will not be judging or okay we are all that, but that is not the end. How is Jesus? But to be like him.
और हम हमारे जीवन में जयवंत हो सकते हैं, हम हो सकता है लोगों को ठगते ना, उनको धोखा ना देते हो, उनका न्याय ना करते हो, दोष ना लगाते हो, लेकिन हम इससे आगे बढ़कर हमें उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव की समानता में बनना है। The way he speaks, the way he deals with people, the same way he wants us to be. और जिस प्रकार से वह बातें करते हैं, जिस प्रकार से उनका स्वभाव है, जिस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा स्वभाव हमारा भी हो। So Bible says in 1 John 3, 2 and 3. और बाइबल पहला योना 2 और उसके 3 में कहता है, that if we have a desire to see Jesus, all those who have a hope of seeing Jesus purifies themselves just as he is pure. Which was brother? 1 John 2? 1 John 3, 2 and 3. और पहला योना 3 अध्याय उसका 2 और 3 की हमारी यदि ऐसी इच्छा है, परमेश्वर की संतान है, अभी तक यह प्रकट नहीं हो हम क्या कुछ होंगे, और जानते हैं कि वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। So brothers and sisters, are we gripped by this that I want to be pure just as Jesus is pure? और भाई बनो इस बात पर कि जैसे मैं यीशु मसीह पवित्र है, मैं भी पवित्र बनना चाहता हूं, क्या इस बात पर आपने अपनी पकड़ बनाई है? Then we are living a sanctified life. और तब हम एक पवित्रीकरण का जीवन बिताएंगे। We are not just overcomers, but we are living a sanctified life. हम न केवल जयवंत हो चुके हैं, परंतु हम अभी एक पवित्र बनने की उस जीवन को जी रहे हैं। And our only aim is to become more like Jesus till the end of our life. और हमारा जीवन का मकसद, हमारा उद्देश्य एक ही रहेगा कि हमारे जीवन के अंत तक हम यीशु मसीह के स्वरूप में समानता में बनते जाएं। It also goes in the way we think. और यह हमारे किस रीति से हम कैसे सोच विचारों में सोचते हैं उस पर भी यह लागू होता है। और हम केवल हमारे कामों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा हम कर सकते हैं उसी के विषय में बात करें, परंतु यहाँ तक कि हमारे विचार भी इसमें शामिल है। Second Corinthians 3:18 says, "We with all unveiled face, looking as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into that same image from glory to glory." और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3:18 कहता है कि जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Brothers and sisters, in our normal day-to-day life, when we come into a particular difficulty and when we say, "Lord, what would you do?" That's all. Then we see how Jesus would do, and if we are able to see how Jesus would do, then we will just become like him. अब भाई और बहनों, हर रोज के हमारे जीवन में जब कभी हम ऐसी परिस्थिति या मुश्किल का सामना करते हैं, तब हम वहां पर आकर यदि हम परमेश्वर को पुकारें और कहें कि यीशु, आप इस परिस्थिति में होते तो आप क्या करते, और हम यदि देख पाए कि यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में क्या करते, यदि हम वो देख ले तो हम उसके स्वरूप में बन पाएंगे। So this is the great salvation that we can become. We want to be live our life daily to become more and more like Christ. तो हमारा जो यह उद्धार है वह महान है, बड़ा है, अद्भुत है कि हम हमारे हर रोज के जीवन को इस प्रकार से जिए कि हम यीशु के समान बनना चाहते हैं। What happens to such people is that from year to year, from time to time, there is a change in their life. और इस प्रकार के लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ में क्या होगा कि जैसे जैसे वर्ष के बाद एक वर्ष बीतता जाएगा, समय के बाद एक बार समय बदलता जाएगा, चला जाएगा, बीत जाएगा, वे बदलते जाएंगे। See, If you see people, they say, "He's sweeter now. He's much more different now than when I saw him." और तब लोग जब ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तब कहेंगे कि यह पहले की तुलना में अब इस यह बहुत ही ज़्यादा मीठा है, बहुत ही ज़्यादा कोमल है। Suppose you say, "That time he was nice, but now he's not so nice." और मान लीजिए यदि किसी ने ऐसे कहा कि उस समय तो यह बहुत अच्छा था, लेकिन अब यह ऐसा नहीं है। That time he was happy and so joyful, but now you see his face always sad. उस समय तो यह बहुत ही आनंदित और प्रसन्नित प्रफुल्लित रहता था, परंतु अब इसका चेहरा जो हमेशा लटका हुआ उदास ही रहता है। This is a great salvation that from one Bible says the path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter. और यह जो मार्ग है, जैसे कि बाइबल कहते हैं कि धर्मिकता में आगे की ओर बढ़ना, यानी कि जैसे प्रकाश जो है वो बढ़ते जाता है। So now, I just come to the last point, the seventh one, that now God has also called us to live and fellowship in the most holy place. और अब हम आखिरी उस बात पर आते हैं जहां पर परमेश्वर ने हमें ऐसे जीवन को जीने के लिए बुलाया कि हम हर समय लगातार प्रभु की संगति में बने रह पाएं। इब्रानियों 6 का आखिरी वचन इस प्रकार से कहता है, Hebrews 6:19 and 20. इब्रानियों 6 उसका 19 और 20. वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है,
जहां यीशु ने मलिकी सदी की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा के रूप में प्रवेश किया। This hope we have as an anchor of the soul, a hope sure and steadfast, and one which enters within the veil where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever according to the order of Melchizedek. So we find that the veil in the temple when Jesus died and when said it is finished was torn from top to bottom. और हम देखते हैं कि उस पवित्र मंदिर के अंदर वहां पर जो पर्दा लगा हुआ था, वहां पर हम देखते हैं जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, वहां पर वह पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। And Jesus has entered right into heaven itself through his blood. और यीशु मसीह स्वयं अपने लहू के द्वारा उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया। And it says he is a forerunner. और वहां पर वह वचन कहता है कि वह हमारा अग्रदूत है। What is the meaning of forerunner? और अग्रदूत का मतलब क्या होता है? The one who runs ahead. इसका मतलब कि जो हमारे आगे दौड़ता है। That means there will be somebody running behind also. इसका मतलब है कि कोई पीछे भी दौड़ रहा है। So we are the after runners. तो हम उसके बाद के दौड़, उसके पीछे दौड़ने वाले हैं। Going into the most holy place. और हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। Now that the way into the most holy place has been opened. और अब अति पवित्र स्थान में जाने का जो द्वार है वह पूरी तरह से खुल गया है। All the prophets, they didn't have this privilege. और जितने भी भविष्यवक्ता थे, उनको यह सौभाग्य नहीं मिला। But God has opened for each one of His children. लेकिन परमेश्वर ने हम सभी के लिए, उनके सारे बच्चों, संतानों के लिए, least to the greatest, कि छोटे से लेके बड़े तक, not just to talk to Him and feel that we are entering the holy place. और न केवल हम इतना ही नहीं कि हम उससे बात कर रहे हैं और हम ऐसा अनुभव करें, महसूस करें कि हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, but to be always spend our life in the holy place. कि हम हमारे पूरे जीवन को उस अति पवित्र स्थान में बिता दें। Such a great salvation. और यह जो उद्धार है वह महान है। So Jesus is a high priest according to the order of Melchizedek. और यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक है मलिकी सिदिक की रीति पर। May God give us the grace to have this wonderful salvation and not to neglect it. अब परमेश्वर हम पर ऐसी दया करे, सहायता करे कि इस बड़े, इस महान अद्भुत उद्धार को हम पाएं और ना कि इसको हम अनदेखा करें। And this high priest is able to sustain us. और यह जो महायाजक है यह हमें लेकर चलेगा। The work of the priest is to help the people. और जो महायाजक है उसका यह कार्य होता है, काम होता है कि वह लोगों की सहायता करे। High priest is able to sustain us and keep us strong in our walk with the Lord. और हमारे लिए जो यीशु मसीह महायाजक है वह हमारी सहायता करेगा प्रभु के साथ हमारे चलने में, कि वह हमें उसके अंदर से लेकर चलेगा। This is a high priest who's interceding for us. और यह ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए विनती करता है। So he is able to save us forever. और यह महायाजक हमारे लिए सदा काल के लिए हमें बचा सकता है। Till we see him. और तब तक के लिए जब तक हम उसको फिर से दोबारा देखेंगे। May God help us to be faithful to this great and God give us light and revelation more and more. और प्रभु हम सभी की सहायता करे इस बात के लिए और इस बड़े उद्धार को हम देख पाए। उनका धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें स्मरण कराया कि कितना बड़ा उद्धार हम पापियों के लिए प्रभु यीशु ने किया है, इतना महान प्यार किया है कि हमें बचा सके और अपने राज्य में वो लाकर हमको खड़ा कर सके। ये हमारे, जैसे हमने सुना, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं था, हर चीज जैसे हमें फ्रीली मिला हुआ चीज है, तो उसका मूल्य क्या है हमको जानना बहुत जरूरी है। इफ इट इज गिवन फ्री, कुछ भी चीज फ्री मिलते हैं कई बार हम वैल्यू नहीं करते वो चीज को, लेकिन बहुत जरूरी है कि वो चीज जो गॉड ने हमें आजादी दी है और जो राइटियसनेस दिया है, जो उसने हमारे लिए क्रूस पर मरकर अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। बाइबल से प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है कि उसने खून देकर हमें खरीद लिया है। सो हमारे लिए तो ये सब फ्री लगता है, बट ये कॉस्ट प्रभु यीशु ने चुकाया है। बाइबल कहता है John 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब हम सबसे प्रेम किया, जगत मीन्स वी, हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दिया कि जो कर उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए। तो प्रभु ने जब हमें देखा कि हम ठोकर खा रहे थे, हम वो स्तर पर कभी नहीं पहुंच सकते थे जैसे पुराने नियम के लोग हारते थे, नहीं कर पा रहे थे,
तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और उसने अपना प्रकाशन हमें दिया, यीशु को हमें दिया, ताकि हम अब उसके पद चिन्ह पर चल सके। तो बहुत अद्भुत परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किया। एक वचन देखो, ये परमेश्वर की योजना थी सारी बातें, लेकिन उस योजना को पूरा करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु था, और उसके द्वारा ही ये सब कुछ संभव हो पाया। ये देखो यहाँ पर लिखा इब्रानी अध्याय 12 में उसके दूसरा वचन में, वहां पर ऐसा लिखा है उसके दूसरे वचन के थोड़ा आगे लिखा ऐसा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि जिसने उस आनंद के लिए, कौन सा आनंद था यीशु को, कौन सा आनंद यीशु को था जब वो उसको पिता ने कहा कि तुझे पूरे संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना है, तो उसके अंदर वो कौन सा आनंद था। उसने ये देखा कि मेरे क्रूस पर चढ़ने से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भटक गए हैं, जो यशाया जिसको कहता है जो ऐसे भेड़ थे जिन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया था, हम भी वैसे ही थे, जो हमारी इच्छा जो हमको लगता था हम वही करते थे, लेकिन यीशु ने हमको बचाने के लिए उस क्रूस को आनंद से सह लिया। यहां पर लिखा है ऐसा नहीं कुड़कुड़ाया नहीं, क्यों प्रभु मैं क्यों, मुझे क्यों जाना है, मैं क्यों करूं इनके लिए, नहीं, बाइबल कहता है उसने आनंद से उसको सह लिया कि उसके आगे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न की और क्रूस का दुख सह लिया। क्योंकि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से हमारे जैसे पापियों को के लिए परमेश्वर ने द्वार खोल दिया, और इसलिए यीशु कहता है द्वार मैं ही हूं, जो कोई मेरे भीतर से जाएगा वही प्रवेश कर पाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा उद्धार है जो प्रभु यीशु के द्वारा हम तक पहुंचा है। और बाइबल ये भी कहता है कि जिसने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और उस सत्य का वचन मालूम करने के बाद जानबूझकर जो पाप करता है उसके लिए कोई बलिदान नहीं चढ़ाया है, लेकिन वो आगे ऐसा कहता है, लेकिन ध्यान रखना एक बात तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, एवरलास्टिंग हेल। अगर परमेश्वर के प्यार को अगर हमने आज नहीं जाना, उसका बात को हमने अनसुना किया और हम अपनी इच्छा से चलते रहे, तो यीशु वचन ऐसा कहता है कि तू एक बात ध्यान रखना, एक चीज तेरे लिए रखा हुआ है एवरलास्टिंग हेल। तो ये चूज हमको करना है, क्या हमको परमेश्वर का प्यार जो उसने हमसे किया है क्या उसे अपनाना है, या हम अपनी इच्छा को या संसार से प्यार करना चाहते हैं। चॉइस इज आवर्स। जैसे जोशुआ कहता है मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे, तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है। सो इट्स अवर चॉइस। आज जब भाई जो मैथ्यू ने जो बांटा है परमेश्वर के प्रेम के विषय में, परमेश्वर के महान उद्धार के विषय में, तो क्या हम उसे सुनकर अनसुना करेंगे या हम उसे अपनाएंगे। और यीशु ने कहा कि जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो मुझसे ज्यादा प्रेम करेगा। सो ये चीज टेस्टिफाई करेगी कि हमारे कितने पाप क्षमा प्रभु ने किए हैं। इफ यू आर लविंग हिम मोर, क्या हम उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उसका ये बात का खुलासा होगा कि हमारे सबसे ज्यादा पाप प्रभु ने क्षमा किया है। एक अच्छा वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5वें का आखिरी वचन, आप 5वें का लास्ट लाइन, हमेशा ये वचन याद रखना। जब कभी हम डिस्करेज होंगे, हमको ऐसा लगेगा कि हम गिर गए हैं, प्रभु हमसे प्यार नहीं करता और कुछ, यहां पर वो देखना वचन वहां पर लिखा है 5वें के आखिरी में, वह हमसे प्रेम रखता है। हमेशा भूलना नहीं वचन को कभी, कि वो हमसे प्रेम रखता है। ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हम कुछ अच्छे काम करने के द्वारा नहीं, लेकिन उसका प्यार हमारे लिए अनंत काल का है। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। देखो उसने कॉस्ट दिया है, उसने हमसे प्रेम किया, सिर्फ खाली मुंह से नहीं बोला है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, उसने कुछ कॉस्ट दिया है। क्या दिया है, बकरे का या मेमने का लहू नहीं, उसने अपना खुद का लहू देकर हमको खरीदा है। सो इट कॉस्ट, उसका एक मूल्य है। इसके लिए हम वो गीत गाते हैं ना, वी नेवर नो हाउ मच इट कॉस्ट, हम कभी जान नहीं पाएंगे कि कितना महान वो लहू का कीमत है जो तूने क्रूस पर हमारे लिए दिया। और वहां पर आगे लिखा है इस कारण
हमें एक और हमें एक राज्य और अपने पिता के लिए एक याजक भी बना दिया है। हमने सुना यीशु मसीह याजक था, अभी यहां पर हम देखते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा उसने पिता के लिए हमारे लिए एक राज्य तैयार किया, पिता के राज्य में हमारा एंट्री कराया, और इतना ही नहीं हमें एक याजक का पद भी दिया है। सो इट्स एन अमेजिंग साल्वेशन जो प्रभु ने हमको दिया है। तो मे गॉड हेल्प अस कि हम इस अनुग्रह को जो उसने हमें दिया हम ठोकर न खाए, लेकिन बाइबल कहता है अंत तक हम धीरज रखे। प्रभु हम सबकी सहायता करे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो कुछ भी सुना। I thank the Lord for whatever I heard today. और जैसा हिब्रू चैप्टर 2 में हमने देखा कि ये हो सकता है कि हमारा उद्धार जो है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। As we saw in Hebrew chapter 2 that it is possible that we can neglect our salvation. हम देखते हैं कि पुराने नियम में ऐसा था कि परमेश्वर सिर्फ पापों को माफ करता था, but परमेश्वर लोगों को उद्धार नहीं दिया था। And we see in the Old Testament that the God used to forgive the sins of the people, but he was not able to deliver them. मुझे एक Zach uncle का example याद आ रहा है। And I'm getting reminding of brother Zach's example. एक डैडी उसका बच्चे को बोलता है कि इस रास्ते से मत जाओ, वहाँ पर बड़ा खड्डा है। A father is telling to his son that don't go from this way. लेकिन बच्चा क्या करता है? उस रास्ते से जाकर खड्डे में गिर जाता है। But what that child, he is taking that same path and then he is falling into a pit. और वो पुकार रहे, daddy मुझे बचाओ, मैंने आपका बात सुना नहीं। And he was crying out to his father that daddy please save me. और daddy गया उसको जाकर देखा, मेरा बच्चा गिरा है, और बोला बेटा मैंने तो, और वो डैडी से माफी मांग रहा है, डैडी मैंने आपका बात सुना नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं खड्डे में गिर गया। एंड डैडी दैट सन्स दैट वाज केम टू दैट सन एंड टू दैट चाइल्ड, द चाइल्ड वाज क्राइंग टू द फादर दैट फादर प्लीज सेव मी एंड आई एम सॉरी दैट आई डिड नॉट लिसन टू यू। और डैडी ने क्या किया? माफ किया और वहां से निकल गया। But what that father did, he forgiven his own son, but did not save him. क्या मैं अब ये सवाल आपको पूछना चाहता हूँ कि उसका डैडी ने बचाया या उसको माफ किया? But I want to ask you all that same question: that was that father save his child or only forgiven him? सिर्फ उसको माफ किया। He only forgiven him. उस खड्डे से बाहर नहीं निकाला उसने। He did not save him. ये हो सकता है कि हमारा condition भी इस तरह हो सकता है। Is it possible that the same condition will be ours also? You know, हमको अगर कोई पूछेगा कि परमेश्वर ने आपको किस चीज से बचाया? If somebody asks us that how many are the things from which the Lord saved you? इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको किस चीज से हमको बचाया? And we must have answer to all this question that how many are the things from which the Lord saved us? क्योंकि ये उद्धार जो परमेश्वर ने हमें दिया बहुत बड़ा है। Because the salvation which the Lord has given us is a great. और मैं देखता हूँ कि you know मैं जब ये नया नया आया था और अभी भी मैं देखता हूँ कि इस वचन को मैं सीरियसली लेने चाहता हूँ। जैसे सर्वनंद मौट यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुम आंखों से विचार करोगे तो नर्क में जाओगे। And as I came newly to this church and till now today also when I heard this word and the word came to me as the sermon on the mount Jesus said that even if you lust with your own eyes it is sin and it's like adultery. अगर तुम गुस्सा करोगे किसी भाई पर या कुछ उसको गलत बात बोलोगे हर्ट करोगे तुम अनंत काल के लिए नरक में डाला जाएगा। If you hurt your own brother or somebody who is nearby to you and you get angry on them, it is like murdering that person. जब मैं English translation पढ़ रहा था उसमें लिखा है कि it is enough, मतलब ये चीज काफी है तुम्हें नरक में जाने के लिए, मतलब गुस्सा या व्यभिचार। And when I was reading in that word in the English translation, it was saying that this thing, if you are doing it, committing it, it's enough for you to take to the hell. और हमको, you know, मैं सोच रहा था कि क्या अगर क्या ऐसा जीवन यीशु मसीह हमको दे सकता है कि हम बिना गुस्से का हम रह सकते हैं? And I was thinking that such a life where we are not getting angry, such a life is Jesus able to give us? क्या ऐसा जीवन यीशु मसीह दे सकता है जो तुम बिना आंखों से व्यभिचार किए जी सकता है? And such a life where we are not lusting with our eyes, such a life is Jesus able to give us? तुम अपने आप से पूछ कर देखो। You ask yourself. और मैं कहता हूँ, praise the Lord, परमेश्वर ने मुझे ऐसा जीवन दिया। And I want to tell you that I praise the Lord that such a life Lord has given me. इसका मतलब ये नहीं कि मैं perfect हूँ।
By this does not mean that I am perfect. But I want to tell you all that Jesus is able to give us such a life. यीशु मसीह तुम्हारे उस पाप से जो तुम व्यभिचार में डूबे हो secret life के अंदर परमेश्वर तुमको उस चीज से उद्धार देना चाहता है. And in your secret life where you are falling into such a adultery sin, Jesus is able to save you and give you such a wonderful life. ये सब सुनने के बाद भी हम continuous पाप के अंदर जी रहे तो ये हम यहाँ पर बैठकर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. And even after listening so many such things, still we are falling into same sin and adultery. Then we are deceiving ourselves. तो मैं क्या कहूँ उसके लिए? Then what should I say? पश्चाताप करो. Repent. पश्चाताप करो. मन फिराओ. Repent. कि परमेश्वर मुझे प्लीज इस चीज से उद्धार दो. Repent and turn to the Lord and cry out to the Lord that Lord please save me from this. इस भाई के और बहन के बारे में गलत सोच रहा हूँ मुझे प्लीज इस चीज से उद्धार दो. I am thinking for this brother, for this sister, wrong things. Please save me from this. मैं बार बार गुस्सा करने की मुझे आदत है मुझे प्लीज उस चीज से उद्धार दो. And losing my temper is my habit. Please save me from this. हमको पश्चाताप करना चाहिए मन फिराना चाहिए. And we must confess it to the Lord and ask forgiveness and repent. परमेश्वर ने जो हमारे लिए उद्धार का मार्ग बनाया है वो बहुत ही महान है मेरे प्रियो. एंड द वे फॉर आवर सेल्वेशन द लॉर्ड हैज प्रिपेयर्ड द वे इज सो ग्रेट. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया मैं ऐसे उद्धार करता And when I received my Lord Jesus Christ as my personal मेरा savior, life completely changed हो गया. My life got completely changed. और मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर डिजायर भी नहीं है कि प्रभु मुझे प्रीवियस लाइफ मुझे मिल जाएगा तो अच्छा रहता था. And I don't have any more further desire that previous life which I used to live I am no more longing. मेरे अंदर ये भी डिजायर नहीं कि प्रभु मैं एक भी पाप करूं तेरे विरोध. And I am having such a desire that I do not want to sin even a single sin. मैं सिर्फ एक पाप की बात कर रहा हूं. इसमें क्या हो गया? हम कभी-कभी लगते हैं एक पाप करूं. And what's big deal in committing one sin? But मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरा मुझे ऐसे जीवन दिया कि मैं एक पाप भी नहीं करूँ परमेश्वर के विरुद्ध. But I want to tell you all that the Lord has given me such a wonderful life that I do not want to sin even once. और मैं देखता हूँ कि मेरा previous life के अंदर मैंने lakhs of rupees मैंने उड़ाया और मेरा waste हो गया. But मैं जब यीशु को पा लिया मुझे वो lakhs of rupees मुझे कचरे के समान लग रहा है. And when I look at my previous life, old self life, where I used to spend so much money and it got wasted. But now, even if I am having such money, still it is like a garbage. और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर इस तरह हमको बदलता है. And but this is the way the Lord changes us. और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ. And it's not just that the things to say. That's why I'm telling you all. और परमेश्वर जो हमारा सीक्रेट लाइफ जो हमको देखता है हमारा व्यक्तिगत जीवन में उस चीज को सीरियसली लो और हम एटलीस्ट परमेश्वर को ढूंढो. प्रभु मुझे प्लीज इस चीज से उद्धार दो, इस चीज से मुझे बचाओ. एटलीस्ट हम उस चीज में कंटिन्यू गिर रहे हैं. एटलीस्ट हम एक रिपेंटेंस हार्ट और परमेश्वर को ढूंढता हुआ हार्ट परमेश्वर चाहता है. And let us all come to the Lord and cry to the Lord that Lord who sees our secret life, what we are doing in our secret life, personal life, private life. And let us cry to the Lord that Lord please save me from such a life. मैं एक चीज सोच रहा था कि प्रभु हम इस कलीसिया के अंदर बैठते कितने लोग परमेश्वर के राज में रहेंगे. And I was thinking while I was sitting there, I was thinking about us that Lord, so many people are there in this church meeting, and how many will be there in your kingdom? कितने लोग परमेश्वर के राज में यहाँ पर की बात कर रहे हैं सिर्फ. And I am talking about all this room only. कि हम कितने लोग परमेश्वर के राज में रहेंगे? And how many of us will be in the kingdom of God? You know, हम चर्च में बैठकर हो सकता है कि हम परमेश्वर के राज में नहीं बल्कि अनंत काल के नरक में जा सकते. क्यों? आपको जो परमेश्वर का वचन जो ब्रदर के द्वारा हमारे भाइयों के द्वारा या परमेश्वर तुमसे बता रहा है तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो. And I want to tell you all that it is possible that even after sitting in this church meeting and attending church meeting still we will not be able to enter into the God's kingdom but we will be in hell. और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, वो हमको मौका दे रहा है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ. And I want to tell you all that Lord is giving us another chance, another opportunity to repent and come to the Lord. और वो तुमको बदलेगा. And he will change you. और वो सामर्थ्य देगा तुमको उस तरह जीने के लिए जिस तरह यीशु मसीह था. And he will give you power and ability to live the life as Jesus lived. प्रभु की उद्धार को इस तरह समझता हूँ कि मैंने 10,000 पाप किया है. And the salvation of the Lord, I take it like that I have committed 10,000 sin. और परमेश्वर का क्रोध उससे 10 गुना ज्यादा है. And the wrath of the Lord is 10 times much more than the sins which I have committed.
मैंने 10,000 पाप किया है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध और 10 गुना ज्यादा है उससे. And I have committed 10,000 sins, but the wrath of the Lord is 10 times bigger than my sin. लेकिन जब मैंने जाना कि मेरे पास एक पिता है, मेरे पास एक परमेश्वर है जो मुझे उससे बचा सकता है. But when I came to know that I have a father, I have a God father who is able to save me. जैसे विजय ने कहा कि वो बच्चे जब खड्डे में गिर गया पिता ने मना करने के बाद, लेकिन पिता ने उसे उठाया नहीं, पिता ने क्षमा कर दिया लेकिन उठाया नहीं. As Brother Vijay was saying that in that example that the father forgiven that child but did not save that child. मैं इस तरह समझता हूँ कि अभी परमेश्वर का क्रोध 10 गुना है, लेकिन मेरे पास एक पिता है मुझे क्षमा कर सकता है और मुझे ऊंचे भी उठा सकता है. I take it like the wrath upon me is 10 times bigger than my sin, but I have a father, I have a God. जब मैंने जाना, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा रहा उस पिता के पास, लेकिन वो मेरी गुनाह है. Even after knowing it, I am not going to him, then it's my fault. So, Brother Matthew ने जब कहा कि Hebrews 2:3 में लिखा है कि ये जो उद्धार को हम सिर्फ विपरीत करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ केयरलेस जैसा लेंगे तो हम कैसा बच पाएंगे इससे. And as Brother Matthew was saying that if this salvation, if we are taking it lightly and neglecting it, then we will not be able to save. देखो जुना करार में अगर परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति एक पाप भी किया, उसको तुरंत परमेश्वर नाश करता था, उसकी क्रोध उसके ऊपर भड़कता था. And we see in the Old Testament that even if those people, even one of them is committing one single sin, that man will be putting to death. अभी समझो कि हम नया करार में हैं और परमेश्वर का उद्धार को हम अगर सिर्फ विपरीत करने की जरूरत नहीं, ये नहीं करने की जरूरत नहीं कि प्रभु आपके उद्धार मुझे नहीं चाहिए, इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सिर्फ उसको केयरलेस की जैसे लेंगे, हम उससे कैसे बच पाएंगे. And now we all are in the New Testament, New Commandment, and we see there that it is not that we are to commit sin, but just thinking, and even it's not necessary to say that Lord, I don't want your salvation. Just we are to take it lightly and neglecting the salvation, and it's enough. कई बार हम किसी को कुछ बाइबल देते हैं, बहुत केयरलेस उसको ऐसा किधर ना किधर रख देते हैं. आपको मालूम है उसकी कीमत क्या है? या कई बार किसी एक जूम मीटिंग का लिंक भेजते हैं, हम उसको बहुत हल्का से लेते, केयरलेस लेते, उसमें कितना महत्व बात है परमेश्वर की बात, लेकिन उसको हम लोग हल्का से लेते हैं, कैसे बच पाएंगे उसके उद्धार से. एंड व्हेन वी गिव बाय शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद समबडी, हाउ केयरलेसली वी आर टेकिंग इट, हाउ नेग्लेक्टिंग वी आर टू दैट थिंग. इवन इफ वी आर फॉरवर्डिंग समबडी अ जूम लिंक, इट इज द सो मच इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर इन इट, इन दैट लिंक, बट हाउ केयरलेसली वी आर हैंडलिंग इट. रोमन्स 3:23 में पौलुस कहता है कि कोई भी भेद नहीं है, सबने पाप किया है. रोमन्स 3:23 सेज दैट एवरीबॉडी हैज सिंड. 3:23 For all have sinned and fall short of God's glory. यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10,000 पाप किया, ये 1,00,000 पाप किया, कोई फर्क नहीं है. It is not necessary that somebody committed 10,000 sin or somebody committed 1,00,000 sin. इसका मतलब ये है कि आप एक गहरे खड्डे में हो भी हो, कोई ऊंचे पहाड़ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आसमान में तारे को कोई छू नहीं पा सकते हैं. It is not necessary that you are fallen into a pit or you are on a mountain top, but in both the condition you are not able to touch the stars. तो लेकिन परमेश्वर, हम ये सब जानते हुए परमेश्वर ने हमारा लिए एक सुविधा रखा है, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा एक उद्धार का मार्ग खोला है. And even after knowing all such things about us, still God made a plan for us through Jesus Christ to save us. और उसकी उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है. And our salvation is through Jesus Christ. और उस उद्धार को हम सिर्फ एक careless जैसे लेंगे, हम कैसे बच पाएंगे उसकी क्रोध से. And if we neglect God's salvation and that's enough for us, then we are not able to save. मैं एक चीज मेरे लाइफ में बताना चाहता हूँ कि जब मैं गांव में पढ़ाई करता था, मेरा घर में कुछ लाइट नहीं रहता था. किस एक थोड़ा ऑयल लाता था, एक डब्बा में डालता था, सिर्फ एक बत्ती जला के पढ़ाई करता था मैं. And I want to tell you about my life. One thing that when I was a little child and I used to study, we were not having electricity connection in our home, and I used to study by putting a lamp stand. लेकिन आसपास में कई सिटी में बहुत अच्छा पावर है, लाइट है सबके पास, लेकिन मेरा घर में कोई लाइट नहीं रहेगा, सिर्फ एक मोमबत्ती जला के मुझे पढ़ाई करना पड़ता था.
बट सिटीज नियर टू आर विलेज नियर टू आर हाउस दैट सिटी यूज टू हैव लाइव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बट इन माई हाउस देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड आई यूज टू स्टडी अंडर लैम्प स्टैंड. ये उस तरह है जब मैं पाप में गिरा हूँ, एक उस तरह का पढ़ाई है जब मैं मृत्यु में पढ़ाई करता था. And as I am falling into a sin, it is like I am studying under that lampstand. लेकिन जब मुझे लाइट मिला और वो लाइट मुझे 24 घंटा मिला, परमेश्वर हमसे कितना उम्मीद रखते हैं. But when I got the electricity connection and I used to have light for 24 hours, I came to know so much things that how much God loves me. या कभी कभी तूफान आ जाता, वो मेंबरती बुझ जाती थी, वापस हम लोग जलाते ही नहीं है क्योंकि हमको उतना ताकत नहीं है खरीदने के लिए. लेकिन अभी 24 घंटा हमारे पास लाइट है, पावर है, पर परमेश्वर हमसे कितना उम्मीद रखते हैं. In those days when storm used to come, that candle, that lampstand used to get that light is to go but now I have a 24 hours, I have a electricity connection and I know so many things. अभी मैं सोचूंगा कि अगर एक मेमबत्ती में बैठकर मैं 80% मार्क लाता हूं, तो जो 24 घंटा में बैठा है उस व्यक्ति कितना मार्क्स लाना चाहिए. Now I'm thinking that studying under the light of that one candle, if I can score 80% mark, then think about such a person who is having 24 hours light. मेरा बेटी जाहिर को बोलता हूँ, मैं एक मेमबत्ती का समय में पढ़ाई करता था, 80% लाता था. अभी तेरे पास 24 आवर्स समय है, अभी तुम कितना लाना चाहिए. I used to tell my daughter Zahra that I used to study under that small light of that small candle. Now you got the 24 hours light. So how much more you should take seriously? अभी जुना करार में किसी के पास प्रकाशन नहीं था, सिर्फ मेमबत्ती की जैसा था, पाप पर विजय नहीं पा रहा था, 80% मार्क ला रहा था, लेकिन उनके पास आज हमारे पास 24 घंटा लाइट है. कितना उम्मीद परमेश्वर हमसे रखते हैं. In the Old Testament, people used to have that small candle light and they used to score 80% mark. How much more for us who are getting 24 hours light? परमेश्वर चाहते हैं हमसे 100% मार्क लाए. And the Lord is expecting 100% marks from us. इसलिए भाई मैथ्यू ने जब कहा कि ये तीन वर्ष मेरा माइंड में रोमन्स 1:6 उद्धार को मैं इस तरह से समझ गया कि रोमन्स 3:24. And as Brother Matthew was sharing, these three verses came to my mind. 3:24. Yeah. 3:24. We read in Romans chapter 3, verse 24. Yeah. Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. इन्हें मैं परमेश्वर का उद्धार पाया, इसका मतलब है मेरे जो 10,000 गुना यानी 100,000 गुना जो भी है, परमेश्वर ने क्या कर दिया, निर्दोष करके साबित कर दिया. And receiving the grace of God and getting salvation is like those 10,000 sins which I have committed is God has wiped out. और इतना ही नहीं है. Romans 5:1. And this is not enough. Romans 5:1 we read. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. यहाँ पर लिखे हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं. मतलब उस संगति में हम एक हो सकते हैं क्योंकि हमारा सारा पाप माफ कर दिया है. And because our sins, all sins are forgiven, that's why we can be one with Jesus Christ. और Romans 6:8. And Romans 6:8 we read. Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मरा, हम भी उसके साथ हमारा पुराना मनुष्य भी मर गया है, तो हम ये भी विश्वास करना चाहिए कि हम उसके साथ वापस जीने वाला है. And if we believe that we have died with Christ, and we must also believe that we will also rose alive with Christ. Brothers and sisters, मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ कि नया करार की प्रकाश एक 24 घंटा की लाइट की तरह है जो प्रभु आपको दिया है. So brothers and sisters, I want to encourage all of you that New Testament light, the Lord which given us is lasting for 24 hours. और परमेश्वर आपसे इतना उम्मीद रखते हैं कि आप 100% उसकी जैसा बन सकते हैं. And God is expecting from us that we can be, we all have potential to score 100%. अगर नहीं बन सकते थे, परमेश्वर ये भी नहीं देता था, पवित्र आत्मा भी नहीं देते थे. And if this thing is not possible, then Lord wouldn't have given us Holy Spirit. इसलिए वो पवित्र आत्मा दिया, वो तुमको हर वक्त मदद करेगा. पाप में 10 बार गिरो, पवित्र आत्मा आपको ऊंचा उठाने के लिए है. That's why the Lord has given us His Holy Spirit. That it doesn't matter that how many times you've fallen into sin, but it is there to help you. Praise God. Praise the Lord. We have heard the many versions of the grace salvation. और हमने बहुत सारे स्तर देखे हैं अपने महान उद्धार के विषय में.
according to me, this is to anybody knows who was the first person to receive salvation. और मेरे हिसाब से हमें जानना है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने उद्धार पाया. For me, it's Barabbas. और मेरे हिसाब से बरनबास. The reason why? Because when they said who should they free, the name was said Barabbas. इसका उत्तर ये है जब पूछा गया लोगों से कि किसे आजाद किया तब लोगों ने चिल्ला कर कहा बरनबास को. The reason why Barabbas got freedom is because of Jesus. और बरनबास को इसलिए आजादी मिली क्योंकि उन्होंने यीशु को धर लिया था. Because of Jesus that Barabbas, his bonds were broken, his chains were broken, he came out from darkness and he became a free man. और यीशु मसीह के द्वारा जो जंजीर में झकड़ा हुआ व्यक्ति, अंधकार में रहा हुआ व्यक्ति, वो वहां से बाहर निकल आ गया. So my question is to all of us, are we Barabbas? तो मेरा प्रश्न आप सब से है कि हम बरनबास के समान है? Are we still living in sin? क्या हम अभी भी पाप में रहते हैं? Are we still living in darkness? क्या अभी भी हम अंधकार में जी रहे हैं? Are we still in bondage? क्या हम अभी भी बंधनों में हैं? Are we really set free? क्या हम सचमुच आजाद किए गए हैं? In spite the name of Jesus that we have. यीशु मसीह के नाम रहने के बावजूद. Still are we Barabbas? तो फिर भी क्या हम बरनबास के समान है? Are we set like Barabbas or not? क्या हम बरनबास के समान आजाद किए गए हैं या नहीं? Because the light that shone in the darkness, क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकी है, that was the light for all of us. और ये ज्योति हम सबके लिए था. It says in John, हमें पढ़ सकते हैं यूहन्ना में, John 1, यूहन्ना अध्याय 1 उसका 14 वचन. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था. ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया. The darkness has not yet overcome the light. और यहां पर हम देख सकते हैं अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया ज्योति को. Have you overcome our sin? क्या आपने पाप के ऊपर जय पाया है? Have we really received the light of Christ in us? क्या यीशु मसीह के ज्योति को सचमुच हमारे जीवन में हमने ग्रहण किया है? Because this light is the light of all men who are living in darkness. क्योंकि ये ज्योति वो ज्योति है जो सारे मनुष्य के लिए जो अंधकार में थे उनके लिए था. So have we really received that light in our life? Or we are still in living in darkness. क्या वो ज्योति को हमने अपने अंतकरण में महसूस किया है, उसको अनुभव करते हैं, या फिर भी हम अंधकार में जी रहे हैं? Because it says in 8 chapter 8 verse 12 John. क्योंकि हम यूहन्ना अध्याय 8 के 12 में पढ़ सकते हैं. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. जो कोई मेरा पीछा चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा लेकिन वो जीवन का ज्योति पाएगा. Are we really following the light? क्या हम सचमुच उस ज्योति का पीछा कर रहे हैं? Are we really following Jesus? क्या हम सचमुच यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं? Because if we are really following Jesus, it means the light. We are following only the light. क्या अगर हम सचमुच यीशु का पीछा कर रहे हैं, उसका मतलब हम ज्योति के पीछे चल रहे हैं और सिर्फ ज्योति के ही पीछे. And we are, the more we are in the light, it means we have overcome the darkness, and the darkness has not overcome the light. और जितना ज्यादा हम उस उजियाले में रहेंगे उतना ज्यादा हम अंधकार के ऊपर उजियाला प्रकट करेंगे, ना ही अंधकार हम पर प्रभुता करेगा. So we are we living in Christ. तो क्या हम यीशु मसीह में रह रहे हैं? Or we are just coming, sitting, listening and going. क्या हम आके यहाँ बैठकर ऐसे ही चले जाते हैं? If we are, what has been spoken today is the light of life of all of us. आज जो कुछ भी यहाँ बांटा गया वो हम सब के लिए जीवन का ज्योति है. Are we going to be only the hearers of it, or are we going to be the doers of it? क्या हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ही हैं, क्या वचन पर चलने वाले भी हैं? Because it says in Ephesians chapter 4 verse 23-24. कि हम इफिसी अध्याय 3 में देखते हैं. Chapter 4.
इफिसी अध्याय 4 23-24 उसका 23 और 24, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुरजा गया है. And to be renewed in the spirit of your mind, 24, and to put on a new self created after the likeness of God in the true righteousness and holiness. तो यहाँ पर वही लिखा है कि मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो कि परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता है पवित्र में सुरजे गए हैं. I'll end it here, church. मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ कलीसिया, और मैं इसको और बढ़ाना नहीं चाहता. Are we reeling in righteousness? Are we really living in holiness? क्या हम सचमुच परमेश्वर की धार्मिकता में जी रहे हैं या पवित्रता में जी रहे हैं? Are we really living a bondage life? या अभी भी हम एक बंधन के वाले जीवन में फंसे हुए हैं? Don't forget that Barabbas got salvation. ये मत भूलना कि बरनबास को उद्धार प्राप्त हुआ था. That's my thoughts. ये मेरे विश्वास है. Because of Jesus Christ. ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ हो. Maybe if Jesus Christ would have not been there, would have not got. अगर यीशु मसीह उनका जगह ना रहते तो वहां पर वो छुटकारा नहीं पाया होता. That was a transformation for him. और यहाँ पर ही मन का बदलाव हुआ था. That was a Passover for him. और यहाँ पर ही उसका छुटकारा हुआ था. Are we transferred? Are we Passover? क्या हमारा मन का परिवर्तन हुआ है? क्या हम पूरे रीति से बदल चुके हैं? Or we are still in the old? क्या हम अभी तक वो पुराने मनुष्यत्व में ही ठहरे हुए हैं? Because it says in Ephesians 5:1. क्योंकि इफिसी अध्याय 5 के 1 में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो. Therefore, be imitator of God as beloved children. यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का अनुकरण करो जैसे कि एक प्रिय पुत्र के समान. Amen. Amen.